दोस्तों बिग बॉस 16 के राशन टास्क के दौरान शिव और शुम्बुल ने मिलकर के बाकी सदस्यों से तीन तीन टोकरी राशन के बचवा लिए। बताता हूँ पूरी खबर। शुम्बुल के फैन ने वीडियो को लाइक जोड़ कीजिए ताकि हमें मालूम चल सके कितने शुम्बुल के फैंस जो उनको सपोर्ट करते हैं, ढेर सारा प्यार करते हैं। वरना लगता है दोस्तों ज़्यादा हेटर्स वीडियो देख रहे हैं, इसलिए वीडियो को दबा के लाइक जोड़ कीजिए। दोस्तों घर के अंदर जो है शुम्बुल और शिव कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं और ये लोग इनडायरेक्टली अपने काम को निकलवा भी लेते हैं। अब दोस्तों ये तो मालूम ही है लोगों को कि रूम नंबर 6 में सबसे ज़्यादा यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग हैं जिसको राशन चाहिए है, और ये बात शिव और शुम्बुल दोनों को मालूम थी। इसके वजह से ये तो कन्फर्म था कि वो लोग जो है अपना राशन जो है वो नहीं देंगे, यानी कि रिएक्शन नहीं देंगे तो राशन ऑब्वियसली बातें नहीं गंवाएंगे। दो टोकरी पहले से ही सेव था, बट बाकी के टोकरीज के लिए तो अलग लोगों से रिएक्शन लेना था। अगर वो रिएक्शन दे रहे थे तो उनके रूम का राशन भी कंप्लीट नहीं होता और बाकी लोगों को भी राशन नहीं मिलता, तो सबको राशन मिले बराबर से। इस चीज़ के लिए यहाँ पे शिव और शुम्बुल ने पहले ही जैसे बिग बॉस का अनाउंसमेंट ख़त्म हुआ उन्होंने बहुत ही स्मार्टली ये बात बोल दी कि अभी देखना है, बहुत सारे लोग तो राशन को लेकर के बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दिखाने लगते हैं कि हम किसी ने राशन छीन लिया होता है तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है, तो अगर आज किसी ने रिएक्शन दे दिया राशन को लेकर के तो वो फिर देखा जाएगा कि टास्क के अंत में देखा जाएगा कि कौन कितने समझदार हैं और कि कौन किसको कितने लोगों की राशन की पड़ी है। और ये बात कहने के बाद दोस्तों आपको बता दूं कि लिटरली तीन लोग ऐसे थे जिसके द्वारा जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे टोकरी गवाई जा सकती थी, बट क्योंकि शिव और शुम्बुल ने पहले ये बात बोल दी थी तो टोकरी बच गई। आपका क्या